नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 2 सितंबर को द आदर्श डिफेंस एकेडमी हरदोई संचालक सौरभ पाल की ओर से कोरिया ग्राउंड पर 1600 मीटर रेस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 बच्चों ने प्रतिभाग करते हुए अपना अपना स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान शैलेंद्र यादव, द्वितीय स्थान विकास वर्मा, तृतीय स्थान सचिन सिंह, चतुर्थ स्थान आकाश सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन आर्मी से रिटायर्ड रामचंद्र फौजी, सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। फौजी संदीप सिंह, सचिन दीक्षित, मनीष ठाकुर और साथ में अमित पाल, अमन गुप्ता खेल ग्राउंड पर उपस्थित रहे। ग्राउंड पर उपस्थित सभी लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी और जिन बच्चों ने कोई स्थान नहीं मिला उन सभी को आगे होने वाले कंपटीशन के लिए अच्छी मेहनत करने के लिए आग्रह किया। संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे।